हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। अडोब इलस्ट्रेटर के एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूँ और आज हम देखेंगे वर्कस्पेस। क्या है वर्कस्पेस, किस तरह से कैसे यूज मिलेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। वेलकम बैक अगेन, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है वर्कस्पेस? देखिए, वर्कस्पेस का मतलब ये होता है कि इलस्ट्रेटर में आपको एक काम करने की जगह दी गई है जहाँ पे कुछ टूल्स, कुछ ऑप्शन, कुछ पैनल है, उसको कहा जाता है वर्कस्पेस। अब उस वर्कस्पेस को आप कस्टम तरीके से भी बना के रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, लेफ्ट साइड में आपको टूल पैनल मिलता है, ठीक है, और राइट साइड में आपको मिलता है पैनल जो कि प्रॉपर्टी का पैनल है, ठीक है। यहाँ पे पैनल बदलते रहते हैं, जैसे कि कलर का पैनल अलग है, पाथ फाइंडर का अलग है, एलाइनर डिस्ट्रीब्यूट का पैनल अलग है, ठीक है। कई सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे पैनल बदल जाते हैं। कुछ पैनल कुछ काम में यूज में आते हैं और कुछ पैनल किसी और यूज में आते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे पैनल और सारे टूल्स आप हमेशा यूज करते हो, या जरूरी नहीं है कि सारे पैनल और सारे टूल्स जो आप यूज करते हो वो मैं भी यूज करूँगा। सबका काम का तरीका अलग होता है। तो अपना एक वर्क स्पेस, एक कस्टम वर्क स्पेस आप बना के रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रोशर या फिर फ्लायर डिजाइन कर रहे हो तो उस हिसाब से आप अपना वर्क स्पेस बना के रख सकते हो, यानी कि कुछ टूल या फिर कुछ पैनल जो आप सामने देखना पसंद करते हो तो उस तरीके से आप एक वर्क स्पेस बना के रख सकते हो, या फिर बुक डिजाइन कर रहे हो तो उस तरीके से आप अपना एक वर्क स्पेस बना के रख सकते हो। तो लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क स्पेस कहाँ आपको मिल रहा है। उसके लिए जाएंगे विंडो एंड आपको मिलता है यहाँ पे वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ कुछ बने बनाए आपको वर्क स्पेस मिल रहा है, जैसे कि ऑटोमेशन, एसेंशियल, लेआउट, प्रिंटिंग वगैरह वगैरह, और आपको मिल रहा है वेब, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, देखिए, अगर मैं वेब पे क्लिक करूँ, अगर वेबसाइट आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप वेब पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया जी आपका वर्क स्पेस एक वेब का, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारे टूल और सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो कि वेबसाइट डिज़ाइन करने में आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं वापस जाऊँ और यहाँ पे टाइपोग्राफी करना चाहता हूँ तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टाइपोग्राफी से जुड़े जो भी पैनल, ऑप्शन या टूल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है जी। वैसे ही अगर मैं वापस जाऊं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं प्रिंटिंग, ठीक है। अब मैं देखिए प्रिंटिंग में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, प्रिंटिंग से जुड़ा आप, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप ब्रोशर या बुक वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो जैसे आपको प्रिंटिंग में आप आओगे तो प्रिंटिंग के वर्क स्पेस में आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि प्रिंटिंग में ज़्यादातर यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आप कर सकते हो कि कभी कभी क्या होता है, हम काम करते करते हमें पता नहीं होता है या फिर उतना याद नहीं रहता है। देखिए अलाइन का पैनल मैंने बाहर निकाल दिया और काम कर लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया। फिर पाथ फाइंडर का पैनल या फिर कोई ट्रांसफॉर्म का पैनल निकाल के मैंने यहाँ कहीं छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह से ग्रेडियंट का पैनल निकाल के मैंने यहाँ कहीं छोड़ दिया और यहाँ पर कोई और पैनल निकाल के, देखिए ग्राफिक स्टाइल का पैनल निकाल के मैंने यहाँ कहीं छोड़ दिया, ठीक है जी। अब ऐसे में अगर आप इलस्ट्रेटर को बंद कर दोगे, ठीक है, आपका काम हो गया, आपने बंद कर दिया, आपको याद नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करते हो तो आपका वर्कस्पेस कुछ इसी तरह से मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपका वर्कस्पेस खराब हो गया, ठीक है। आपने जैसे रखा था या जैसे आपने यहाँ से वर्कस्पेस लिया था, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं ये वाला प्रिंटिंग वाला, तो ये वर्कस्पेस खराब होगा। आप इस प्रिंटिंग वाले वर्कस्पेस को आप रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए वापस जाएंगे विंडो, वर्कस्पेस एंड रीसेट प्रिंटिंग, ठीक है। अभी आप जो भी वर्कस्पेस यूज कर रहे हो वो प्रिंटिंग का रीसेट आप कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैं रीसेट करूंगा ये अपनी जगह वापस आ जाते हैं, राइट। सो ये तो हुआ जो आपको बने बनाए कुछ वर्कस्पेस मिल रहे थे उनको। अब अपना वर्कस्पेस आप कैसे बनाओगे, ठीक है। ऐसे में विंडो वर्कस्पेस अगर मैं सेंटेल्स में करूं तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा,
ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको ऐसा ही मिल रहा है। अब देखिए बहुत सारे टूल्स या बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, या मैं यूज़ कर रहा हूँ आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने तरीके से कस्टम एक वर्कस्पेस आप बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं जो कि ग्रुप में है, ठीक है। अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी टूल के अंदर ही आपको और भी टूल मिलेंगे, ठीक है। मैं कुछ ऐसे देखना पसंद नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ थ्री डॉट में, ठीक है, एडिट टूल बार में, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी बेसिक सेलेक्ट है, तो बेसिक में आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं एडवांस में कर दूँ तो ये ज़्यादातर टूल्स जो पुराने वर्जन में होते थे वही टूल आपको दिखाएगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसे ही देखना पसंद करता हूँ, राइट। सो मैंने कुछ ऐसे रखा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें भी कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मैं वापस क्लिक करूँ और यहाँ पे आप न्यू टूल बार बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे उस टूल बार का नेम मैं रख रहा हूँ, ठीक है, माय टूल बार, ठीक है जी, ये हो गया जी माय टूल बार। एंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे टूल हैं जो कि आप यूज में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल एंड ट्रैक एंड ड्रॉप करूँगा मैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी मैं देखना चाहता हूँ, और उसके बाद यहाँ से पेन टूल, ये आ गया जी पेन टूल भी, ठीक है। उस तरह से आप जो जो भी टूल यूज में लेना चाहते हो उनको आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद चाहो तो इस वाले पैनल को आप हटा सकते हो, आप इस वाले टूल पैनल को यहाँ लगा सकते हो, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, राइट। उसके बाद आपको लगता है जी ये तो गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है, आप रीसेट कर सकते हो विंडो वर्कस्पेस और यहाँ पे आके रीसेट कर लीजिए, ठीक है जी, ये वापस आ गया। सो अब अपना बनाते हैं एक कस्टम वर्कस्पेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जब भी यूज करता हूँ तो कुछ खास पैनल है जो कि मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ, वो भी राइट साइड में मिनिमाइज करते हुए, ठीक है। तो मैं विंडो में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कलर, ठीक है, ये मैं ज़्यादातर यूज में लेता हूँ। देखिए जब भी आपको यहाँ पे लगाना हो या इसके साथ अटैच करना हो तो यहाँ से पकड़िए, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके आइए। तो जैसे ही आप लेके आएंगे ये देखिए ब्लू कलर का हो जाता है, और जैसे ही छोड़ देंगे ये इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो कुछ ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद भी अगर आप कुछ काम करते करते इस आइकन में क्लिक करते हो तो यही पैनल आपका ओपन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और एक दो मैं पैनल लगा दूं, जैसे कि मैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का भी पैनल यूज करता हूं, साथ में आपको पाथ फाइंडर का भी मिल जाता है और ट्रांसफॉर्म का भी मिल जाता है, ठीक है। सो मैं इसको भी उठाकर यहां लगा देता हूं ऐसे, और एक और लगाएंगे। यहां से मैं नीचे आ रहा हूं, नीचे 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 नीचे, या टाइप एंड कैरेक्टर, ठीक है, और यहां पे जाके मैं शो ऑप्शन कर देता हूं। ये भी पैनल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ में लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब देखिए मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं उसी पैनल को ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नीट एंड क्लीन रखता हूँ अपने वर्कस्पेस को, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसी कैरेक्टर को ओपन करना चाहता हूँ, तो इसके आइकन में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आ गया जी, ठीक है, मिनिमाइज कर देंगे और कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एक और पैनल है लाइब्रेरी का, ये मैं कभी यूज में लेता, तो इसको अगर क्लोज कर दें तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी और लेयर तो ये तो है ही, इसको तो आपको यूज में लेना ही होगा, सही है। अब ये जी मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से दिखे, और ये जो वर्कस्पेस है मेरा अपना एक कस्टम वर्कस्पेस है। अब इस कस्टम वर्कस्पेस को मैं सेव करके भी रख सकता हूँ, ठीक है, सेव करके भी रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इलस्ट्रेटर रीसेट हो जाता है या फिर हमें रीसेट करना पड़ता है, तो उसके बाद जब रीसेट करेंगे तो एसेंटियल्स में ही आपको मिलेगा, आपका कस्टम वर्कस्पेस आपको नहीं मिलेगा अगर आपने सेव नहीं किया है तो। सो वर्कस्पेस को सेव करने के लिए आपको आना है विंडो, और यहाँ पे आपको वापस आना पड़ेगा वर्कस्पेस में, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है न्यू वर्कस्पेस, ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये नेम वगैरह कुछ पूछता है, दे दीजिए माय वर्क
स्पेस, ठीक है जी, ये हो गया जी सेफ, माई वर्क स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, राइट, आप अपने वर्क स्पेस को इस तरह से मैक्सिमाइज भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि काम करते हुए हमारा कोई वर्क स्पेस चला जाए या फिर ऐसे ही रह जाए, ऐसे ऐसे, तो अपने वर्क स्पेस को रीसेट फिर से आप कर सकते हो, ठीक है, विंडो एंड वर्कस्पेस और यहाँ पे आके रीसेट माय वर्कस्पेस, ठीक है। तो ये जी वापस से आपका रीसेट होके मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा आप ही के वर्कस्पेस में, राइट। सो इतना हो गया। अब देखिए यहां से भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, अगर मैं यहां से मिनिमाइज कर दूं तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। आपको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप इस तरह से बहुत ज्यादा स्पेस ले सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे ही देखना पसंद करता हूं। यही नहीं, आप अपना वर्क स्पेस और भी कई सारे बना के रख सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा ही एक और मैं वर्क स्पेस बनाऊं जिसमें कुछ एक चीजें मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कलर का यूज नहीं करूंगा, ठीक है, और मैं यहां से ट्रांसफॉर्म भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको मैक्सिमाइज करके दिखाऊं, कलर गाइड भी यूज नहीं करूंगा, मैं यही चीजें यूज करूंगा, अलाइन एट्रीब्यूट, पाथ फाइंडर और कैरेक्टर का पैनल, ठीक है जी। एक और वर्क स्पेस बनाएंगे तो चलो तो आप यहां से भी जा सकते हो, ठीक है, मैनेज वर्क स्पेस, या फिर यहां से भी विंडो वर्कस्पेस और मैनेज वर्कस्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे अपने वर्कस्पेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस आइकन में न्यू वर्कस्पेस में क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रख रहा हूँ माय वर्कस्पेस 2, ठीक है, और मैं ओके कर रहा हूँ। अब ये वर्कस्पेस मुझे ऐसे ही मिलेगा इन्हीं पैनल के साथ, इन्हीं टूल्स के साथ। आप टूल्स भी अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, राइट। सो मैं ऐसे ही देखना पसंद करूंगा। सो अगर मुझे दूसरे अपने वर्कस्पेस पे जाना है, ठीक है, ये मेरा पहला वाला वर्कस्पेस है, ये मेरा दूसरा वाला वर्कस्पेस है, मैं दूसरे वाले पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसी काम को देखिए, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और इसमें कोई कलर ले लेते हैं, यहाँ आ रहा हूँ, ये वाला येलो ले रहा हूँ, और यहाँ आके मैं स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। यूं समझ लीजिए कि मैंने एक आर्टवर्क बनाया, ठीक है जी, ऐसे ये। अब मैं इसी वर्कस्पेस पे रहते हुए दूसरे वर्कस्पेस में जाना चाहता हूँ तो जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ आइए और यहाँ से अपने दूसरे वर्कस्पेस पे जा सकते हो जंप करके, ठीक है। ये पहला वाला वर्कस्पेस जो बनाया था और ये दूसरा वाला वर्कस्पेस है, ठीक है। अब दूसरे वाले वर्कस्पेस में भी अगर आपका कोई पैनल गायब हो जाता है या फिर अपनी जगह से दूसरी जगह सेव हो जाता है, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ रखा था, तो इसको भी आप रीसेट कर सकते हो। तो उसके लिए जाएंगे वर्कस्पेस एंड यहाँ पे रीसेट वर्कस्पेस 2, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। सो इस तरह से आप अपने वर्कस्पेस को कस्टमाइज करके रख सकती हो, ठीक है। सो अगर आप बिगनर हैं तो शायद वर्कस्पेस आपको यूजफुल ना लग रहा हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हो तब आपको जरूरत पड़ेगी अपने वर्कस्पेस की, अपने कस्टम वर्कस्पेस की। तो अपना वर्कस्पेस बनाइए और सेव करके रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले Adobe Illustrator के ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।